हेलो दोस्तों, सबों को जोहार। और मैं इस वक्त आपको एक बहुत सुंदर जगह में लेकर आना चाहता हूं, और वह जगह का नाम है मरवा जंगल टोली। तो रियल में अगर गांव का और जंगल का मज़ा लेना है तो मरवा जंगल टोली में आइए। और हमारे साथ में हमारे माननीय काकू जी प्रभात जी यहां पर हैं, और साथ में बाद में आप देखेंगे वन एंड वन हैंडसम पर्सन मिस्टर पवन टोपो जी हैं जो कैमरा संभाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं पवन, और आज मैं अपने नानी घर के जंगलों में घूम रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं तो बहुत घूमा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे नानी घर के जंगलों को देखें, जाने। एक बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर एक कोई को मैं अपने नानी घर ला करके दिखा तो नहीं सकता, इसलिए YouTube के जरिए थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग देखें और जानें मेरे नानी घर को। बहुत ही अच्छा जगह है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है हम लोग के साथ आज, क्योंकि जंगल के भ्रमण में निकले हुए हैं आज हम लोग। तो आगे दिखते हैं, एक बार उधर दिखाइए कितना सुंदर जो है पहाड़ यहाँ से दिखाई देता है। देखिए ये सुंदर पहाड़ है, एक मनोरम दृश्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जब सूरज उगती है तो पूरा जो है एक लाल रंग का पूरा गोलाकार के साथ में उगती है, लगता है यही जो है पहाड़ से उग रहा है सूरज। तो बहुत कम लोग जानते हैं, और यही हमारा पगडंडी है। आगे जो नदी तक जाता है वो हम लोग का खेत वगैरह है। ये सब हमारा सफारी का टीम का लोग है, ज़्यादातर दिखाई देंगे पेंगा और मैन लाम्भा भी एक बिल में घुस गया था। अब थोड़ा देर के बाद आप लोग जो है हम लोग यहाँ देखेंगे, और भी है, मोर है यहाँ, और जो है आपको किंग फिशर दिखाई देगा, और एक जो है पैरोट यहाँ मिलता है जिसका पूंछ काफ़ी लंबा होता है। तो हम लोग बिल्कुल अभी हमारा जो मेन नदी है उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कम से कम 20 लोग हैं जो आज सफारी करने वाले हैं, और ख़ास तौर से हमारे सब परिवार के लोग हैं। हम लोग एक्साइटेड हैं, हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे लोग जिस चिड़िया के विषय में बुक्स में पढ़ते हैं उसी चिड़िया लोग को हम लोग दिखाने वाले हैं। कई अलग अलग तरह का जो है पेड़ पौधा उसको भी दिखाने वाले हैं। तो एक्साइटेड हैं, और देख सकते हैं हम लोग के टीम के और सदस्यगण। ये हमारा कॉलिंग स्टाइल है, एक दूसरे को लोग वेलकम कर रहे हैं। चलो सब कोई आवाज दो। लाम्भा बोले तो खरगोश, ये हम लोग एक शिकार का हिस्सा है। सबसे हम लोग का जो है मजबूत जो है सफारी मैन ये है, स्ट्रॉन्ग। यो तोड़ने नहीं दे रहा। तो देख सकते हैं आगे पूरा पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है, और वो वाला जो पहाड़ है वो उसको यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग बादुल टोंगरी के नाम से जानते हैं, और बादुल टोंगरी बोलते हैं क्योंकि बादुल बोले तो चमगादड़, वहाँ बहुत सारे चमगादड़ है। एक गुफा है, और पहले के समय में, अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, पहले के समय में वहाँ शेर रहा करता था, और वो शेर का गुफा है। और अभी बस कुछ जंगली जानवर रहते हैं, शेर तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं, इसलिए वो पहाड़ को बादुल टोंगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर के लोग लोकल भाषा में चमगादड़ को बादुल बोला जाता है। देखिए ये कितना शांत जंगल है, उसी को करो यार। और ये कहां पहाड़ों में हम लोग बसे हैं, देख। आपने चलाने रुको रुको रिप्लाई देगा तो मोर।
उसका पार्टनर चिल्ला रहा है। ये तो तितिर है, चलो चलो ना, चलो चलो चलो, नहीं रहता है जंगल, चलो जंगल में नहीं रहता है रे, चलो 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 चलो, उधर से उतरो, उधर से उतरो, कहीं जंगल में नहीं रहता है, चलो इधर से उतरो, इधर वाला कैसे आ रहा है, इधर अच्छा लेकिन लाइट उधर से है ना तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहा है, इधर बात बोलो ओ भैया लोग अन्ने भैया, हां बोल कितना अच्छा, कितना अच्छा जगह है और कितनी शांत जगह है, और अपना अपना छाता दिख लाइए, अपना छाता दिख लाइए, छाता हम लोग बना है ये धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, आगे की कोई आइडिया होएगा तो देखेंगे हम लोग, वहाँ का आगे तितली भी होएगा उन लोग बोल रहे हैं, चलिए आगे आगे होता है क्या। और ये हम लोग इस जंगल के बीचों बीच जो नदी है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हैं पानी है, ऐसे बहुत कम पानी दिखाई देते हैं नदी में, कहां उमर दिला साफ पानी, यहां मछली भी काफी मिलता है, छोटा छोटा जो मछली काफी टेस्टी होता है, इधर हमारे पास अभी देखे थे मछली, अरे मछली देखिए वो बता रहे हैं कि मछली, और जो दिखाने लाया वो दिखाया ही नहीं हम लोग को, वो मछली और दिखा था, हां हम लोग ना दिखा, किधर किधर आया पूरा, सभी को एंजॉय करते हुए ऐसे ऐसे मैं थैंक्स कहना चाहूँगा लॉकडाउन को, जिससे इतने इतना अच्छा हम लोग को टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, सब हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, हम लोग काफ़ी बड़े परिवार हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और ये हम लोग की यो इधर इधर हम अपना चप्पल साफ कर देंगे, ये मेरा सबसे छोटा भैगना है और वो मेरी सबसे छोटी बहन है, ये मेरे बड़े भैया, हाँ हम भी घुस गए, और बड़का दा है क्या, और ये मेरी उससे थोड़ी सी बड़ी बहन सबसे छोटी से, और ये मेरा सबसे बड़का बेटा जो आज हम लोग का गाइड है, रिश्ते में हम लोग बाप बेटा लगते हैं, मेरे सबसे छोटी बहन, और उधर सारा बटालियन, हर एक को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सारे कोई हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो गया, चलो किधर चलना है, नहीं नहीं मत भिंगाओ, चलो चलो, और हम लोग नदी पार करके अब पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, धूप भी काफ़ी हो गई है, देखते हैं आगे, जोहार, मैं आप लोग को आगे लेके जाना चाहता हूँ, आइए, अभी हम लोग का तो सुबह हो रहा है, 10 बजे हम लोग दतून करते हैं, तो अभी हम लोग नदी में हैं, नदी में यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, अच्छा यहाँ देखिए आप लोग को लाल लाल यहाँ दिखेगा, फिर कई जगह झंडा वगैरह दिखेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वन जो है
मतलब ये इसका रक्षा किया जा रहा है ये ग्रामीणों के द्वारा, और यहाँ वनों की कटाई मना ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो भी वन का जो लकड़ी, जो कच्चा लकड़ी है उसको काटेंगे उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसीलिए ये एक तरह का सिंबॉलिक है, लाल रंग का यहाँ पर कपड़ा टांगा हुआ है, झंडा कई जगह बनाया हुआ है। तो इस तरह ग्रामीण लोग वन की रक्षा करते हैं, उनका दायित्व होता है कि जो जंगल उनको लकड़ी दे रहा है, जो जंगल उनको पतूर दे रहा है, उनकी रक्षा करें। और तो आइए फिर आगे, फिर उधर हम लोग का नदी तरफ आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा हम लोग का अभी तक लंबा कम से कम 1 किलोमीटर आगे चल चुके हैं, और साफ पानी है और चट्टान है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आइए इधर इधर चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोगों को, दूर दूर तक जंगल ही नज़र आ रहा होगा, और अभी हम लोग बीच जंगल में हैं, और इस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जो कि आप नाम सुने होंगे। ये नदी का पानी सीधा पतरातू, जो कि बहुत ही फेमस जगह है झारखंड की, वो पतरातू डैम में जाकर के मिलती है ये नदी। पूरा एंजॉय करते हुए ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर लगभग हम लोग 5-6 किलोमीटर जंगल में अंदर घुस चुके हैं और काफ़ी थक गए हैं हम लोग सारे कोई, तो थोड़ा सा थक गए हैं। और देख सकते हैं ये जंगलों के बीचों बीच नदी बह रही है, और इसका पानी काफ़ी ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डुबकी लगा इस पानी में, इस तरह का मन कर रहा है। तो आगे है उस तरह का हम लोग का नेचर का गॉड गिफ्टेड है हम लोग का स्विमिंग पूल, वो भी मैं दिखाऊंगा, जहाँ कि हम लोग अभी थोड़ा सा चिल करेंगे सारे कोई, क्योंकि थक गए और काफ़ी गर्मी भी लग रही है। तो आगे चल करके हम लोग मज़ा लेते हैं इस पानी का और इस नदी का और इस जंगल का।